नमस्कार, आपदा के सामना के एक और विशेष अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। आज के अंक में हम बात करने वाले हैं हीट वेव, यानी ग्रीष्म लहर की, या फिर सामान्य भाषा में बात की जाए तो लू की। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ग्रीष्म लहर असामान्य रूप से उच्च तापमान की वो स्थिति है जिसमें तापमान सामान्य से अधिक रहता है और वो मुख्यतया देश के उत्तर पश्चिमी हिस्सों को प्रभावित करता है। ग्रीष्म लहर मार्च से जून के बीच चलती है, लेकिन कभी कभी जुलाई तक में भी इसका इफेक्ट देखा जाता है। ऐसे चरम तापमान के कारण बनने वाली जो वातावरणीय स्थितियां हैं और अत्यधिक आर्द्रता से लोगों पर पड़ने वाले इसके शारीरिक जो दबाव होते हैं वो बहुत ही दुष्प्रभावी होते हैं, जिसके नतीजतन ये जानलेवा भी हो सकता है। तो फिर सवाल यही पैदा होता है कि हम और आप इसका, और साथ साथ हमारे जो पशुधन है उसका, इस हीट वेव की वजह से उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, हम और आप कैसे बच सकते हैं, अपने पशुधन को हम कैसे बचा सकते हैं और इसकी तैयारी हमें कैसे पहले से करनी चाहिए। ऐसे में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण समय समय पर हीट वेव से बचने के लिए कुछ दिशा निर्देश जारी करता रहता है, जिसका अनुपालन करने पर यकीनी तौर पर हम हीट वेव से खुद को भी और अपने पशुधन को भी बचाकर रख सकते हैं। तो आज के इस अंक में हम इसी विषय पर विस्तार से बातचीत करेंगे और इस बातचीत में हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हैं कमल किशोर जी, जो कि सदस्य और सचिव हैं एनडीएमए के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे साथ दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर एम महापात्रा जी, जो कि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के डीजी हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जो तीसरी खास मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर लिपिका नंदा, जो कि वीपी हैं पीएचएफआई में। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम में। लेकिन शुरुआत कमल सर आपसे मैं करना चाहूँगा, और जैसा कि हम जानते हैं कि अभी बीते दिनों ही ये खबर आई कि पिछले 55 सालों का रिकॉर्ड ब्रेक हुआ है, 33 डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पहुँच गई फरवरी के महीने में। ऐसे में एनडीएमए की तरफ से, खासकर अगर मैं कहूँ कि हीट एक्शन प्लान, वो क्या होता है, क्यों जरूरी है और इसका कैसे अनुपालन कराते हैं? देखिए, जो ग्रीष्म लहर की समस्या है, जो हीट वेव की जो समस्या है, हमारे देश के 20-21 से ज्यादा राज्य और केंद्र प्रशासित प्रदेश इससे प्रभावित रहते हैं। और जैसा कि आपने कहा, इन घटनाओं की, ग्रीष्म लहर की जो अवधि है वो बढ़ती जा रही है। पिछले साल मार्च का जो महीना था, पिछले 120 सालों में सबसे ज्यादा गर्म मार्च था। ऐसे ही अप्रैल का महीना जो था वो सेकेंड वार्मेस्ट, या दूसरा सबसे गर्म महीना था, अप्रैल था पिछले, उसके पिछले 120 सालों में। तो इसकी बारंबारता बढ़ती जा रही है और इसको एनडीएमए ने और सरकार ने बहुत गंभीरता से लिया है। 2016 में हमने दिशा निर्देश जारी किए थे कि कैसे राज्य, जिले और शहर अपना हीट एक्शन प्लान बनाएं। उसके बाद 2016 से 2019 के बीच में जो हमारा अनुभव रहा, उस आधार पे हमने इन दिशा निर्देशों को रिवाइज किया, उनका पुनर्वलोकन किया और उनको फिर से जारी किया। अभी इस समय देश में 100 से अधिक जिले या शहर ऐसे हैं जिन्होंने अपना हीट एक्शन प्लान बनाया है। उसमें सीधी सी बात यह है कि शॉर्ट और मीडियम टर्म में हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना थ्रेशोल्ड होना चाहिए कि कितने टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी पे वो कहेंगे कि अभी ग्रीष्म लहर यहां चालू है। तो ये एक्शंस लेने हैं, और ये जो एक्शंस लेने हैं ये सिर्फ जो है आपदा प्रबंधन विभाग या स्वास्थ्य विभाग नहीं, ये सभी विभाग लें, सभी विभागों का इसके अंदर एक रोल है, उनकी एक जिम्मेदारी है। चाहे वो पेयजल की व्यवस्था करनी हो या लेबर डिपार्टमेंट हो जो ये सुनिश्चित करे कि कंस्ट्रक्शन साइट पे लेबरर्स के लिए कुछ व्यवस्थाएं हो, वहां पे हम टाइमिंग एडजस्ट करें। शिक्षा विभाग स्कूलों को क्या करना चाहिए इस संबंध में, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स, पावर सेक्टर कैसे तैयार रहे, रेल ट्रांसपोर्ट सेक्टर कैसे तैयार रहे। हमारे देश का 51,000 किलोमीटर की जो रेल पटरी है वो हीट वेव से एक्सपोज्ड है, तो उसके ऑपरेशन में, उसके मेंटेनेंस में क्या समस्याएं आएंगी जब एक्सट्रीम हीट वेव होगा। ऐसे ही सड़क यातायात, तो ये एक मल्टी सेक्टोरल, मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी डिपार्टमेंट टास्क है, जो कि हाँ, उसमें
अलग अलग जो स्टेक होल्डर्स हैं उनकी क्या जिम्मेदारियां हैं, उनको क्या क्या करना है, ये हीट वेव एक्शन प्लान में होना चाहिए। और इसके साथ साथ जन जन तक हम कैसे ये संदेश पहुंचाएं कि क्या करें क्या ना करें, डूज एंड डोंट्स जो एनडीए में भी समय समय पर तैयार जारी करता रहा है। इस संदर्भ में हमने लिखित में ऑडियो विजुअल माध्यम के माध्यम से जन जन तक बात पहुंचाने की कोशिश की है और इसका प्रभाव हुआ है। 2015 में 2000 से अधिक लोगों की जाने गई और धीरे धीरे करके वो जो ग्रीष्म लहर से होने वाली जो मृत्यु दर है उसको हम दो अंकों में ले आए हैं, 20, 23, 50 ऐसे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम अभी संतुष्ट हो जाएं, क्योंकि हमें जीवन के जीवन को और मृत्यु दर को तो कम करना ही है, लेकिन इसके साथ साथ जीविकाओं को होने वाले नुकसान को भी कम करना है। ठीक, हम और भी विषय पे आएंगे, लेकिन महापात्र सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जैसा कि कमल किशोर सर ने कहा कि अब इसकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जा रही है, वैज्ञानिक भी कह रहे हैं कि हीट वेव एक तो प्रोलॉन्ग्ड हो गया है, बारंबार हो रहा है, और जो रिकॉर्ड्स है अभी हमने देखा बीते दिनों आप लोगों ने कहा कि पिछले 55 सालों का 2022 तो कहा गया कि 150 सालों में सबसे ज्यादा गर्म वर्ष रहा। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए अब जबकि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस तरह की चीजें हो रही हैं, अब मौसम विभाग की तरफ से हीट वेव की घोषणा, जब आपके जो पहले स्टैंडर्ड्स थे घोषणा करने की, आप लोग भी अब इसमें बदलाव करेंगे उस डेफिनेशन को, और किस तरह से बदलाव करके अब आप इस बात की घोषणा करेंगे कि अब आज से इतने तारीख तक या आने वाले दिनों में हीट वेव रहने की उम्मीद है या फिर संभावना है? क्या, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे कमल किशोर साहब ने बोल रहे थे, 2015 में जब लगभग 2000 लोगों का मृत्यु हो गया था हीट वेव की वजह से, वो एक चैलेंज था और कंप्लीट कंट्री माने डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर और अर्ली वार्निंग एजेंसी जैसे इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट सभी मिलकर कदम उठाया। इसमें इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट ने ये अच्छे कदम उठाया कि जैसे एक सीमलेस फोरकास्ट जनरेट किया जाए, यानी एक सीजनल फोरकास्ट दिया जाए, इसको फॉलो करते हुए एक मंथली फोरकास्ट, फिर एक एक्सटेंडेड फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट 4 वीक्स, एंड फिर ऑन डे बाय डे हम फोरकास्ट दे नेक्स्ट 5 डेज को, जिसको हम बोलते हैं मीडियम रेंज फोरकास्ट। सो पहले 2016 में हम सीजनल फोरकास्ट शुरू किए थे, फिर एक्सटेंडेड फोरकास्ट, और अभी आप देखेंगे हमारे पास एक सीमलेस फोरकास्टिंग सिस्टम है, 1 डे से शुरू करके 1 सीजन तक। और ये तो फोरकास्टिंग हो गया, इसके साथ साथ फोरकास्ट एक्यूरेसी आप देखेंगे, अभी जो हीट वेव का फोरकास्ट एक्यूरेसी है हम पिछला 5 साल के साथ कंपेयर करें, आप देखेंगे लगभग 40% इंप्रूवमेंट हुआ है इन फोरकास्ट एक्यूरेसी ऑफ हीट वेव कंडीशंस। और इसको देखते हुए हमने भी कुछ ऐसे कदम लिए हैं जिसके सिर्फ हम हीट वेव का डिक्लेरेशन नहीं करते हैं, इसके साथ साथ इंपैक्ट क्या हो सकता है इसका इंपैक्ट बेस्ड फोरकास्ट भी हम दे रहे हैं। फॉर पास्ट 3 इयर्स इंपैक्ट बेस्ड फोरकास्ट ऑफ हीट वेव जारी हो रहा है और इसके लिए एनडीए में और इंडिया मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट मिलकर एक गाइडलाइंस बनाए हुए हैं, एक कलर कोडेड गाइडलाइंस इसको देते हैं। इसमें हम ये बोलते हैं कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कौन सा डिस्ट्रिक्ट में हीट वेव हो सकता है अगले 5 दिन के अंदर, और हीट वेव होगा तो इसका इंपैक्ट क्या हो सकता है। जैसे कमल साहब बोल रहे थे, हीट वेव का इंपैक्ट बहुत सारे सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर में होता है, हमारा अभी लॉस ऑफ लाइफ कम है मगर लॉस ऑफ प्रॉपर्टी और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन को कैसे प्रभावित ना करे, इसके लिए इंपैक्ट फोरकास्ट हेल्पफुल होगा। वायुमंडल में जो आर्द्रता होता है, आर्द्रता ज्यादा होता है तो डिस्कम्फर्ट ज्यादा होता है और हीट वेव का इंपैक्ट भी ज्यादा होता है। अभी हम ना सिर्फ करंट ह्यूमिडिटी क्या है इसको बताते हैं, इसके साथ साथ फोरकास्ट ह्यूमिडिटी भी हम लोग देते हैं। चौथा हम ये है कि विंड्स, जिसको हम लू बताया, उत्तर भारत में लू बताते, लू होता है जब हीट वेव के साथ स्ट्रॉन्ग वार्म विंड होते हैं, और ऐसे इलाके हैं जहां विंड नहीं होता है, विंड कम होता है, और जब विंड ड्राई विंड आता है, हॉट विंड आता है, तब इंपैक्ट हीट वेव का ज्यादा हो जाता है। ओके, तो इसलिए अभी जो पूर्वानुमान दिया जा रहा है इसमें विंड होता है, ह्यूमिडिटी होता है, नाइट टेम्परेचर होता है, इसके साथ साथ इरेशन ऑफ हीट वेव भी होता है, ना सिर्फ आज का तापमान होता है। डॉक्टर लिपिका नंदा, मेरा सवाल ये जो कि आप पब्लिक हेल्थ से जुड़ी हुई हैं और जैसा कि कमल किशोर कह भी रहे थे कि इस तरह के हीट वेव्स का इम्पैक्ट जो दिहाड़ी मजदूर हैं उन पे बहुत ज्यादा पड़ता है, जॉब लॉसेस होते हैं, वो काम के लिए जा नहीं पाते हैं, अगर जाते भी हैं तो
हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो स्कूली बच्चे हैं उन पे इम्पैक्ट पड़ता है, जो कामकाज के लिए जो लोग अपने घर से बाहर निकल, सभी पे कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता है। आप पब्लिक हेल्थ से रिलेटेड कामों को जानती हैं, बहुत बारीकी से समझती हैं, कैसे इस तरह के पूर्वानुमान एनडीएमए की तरफ से जो जारी किए हैं गाइडलाइंस और पब्लिक हेल्थ को लेकर आप किस तरह की बातें गवर्नमेंट के सामने या पब्लिक के सामने रखती हैं ताकि लोग अवेयर हों और इस तरह के हीट वेव्स की स्थिति में अपना बचाव कर सकें। हम लोग बहुत क्लोजली काम करते हैं आईएमटी के जो टेम्परेचर डेटा फोरकास्टिंग और एनडीएमए के जो गाइडलाइंस, हम बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व भी होते हैं। और जैसे आपको मालूम, जैसे आपको पता है कि पिछले कई सालों से एनडीएमए बहुत एक्टिवली जुड़ी हुई है ये हीट वेव इश्यू के ऊपर, क्योंकि इतने डेथ्स होते हैं वो हीट वेव के कारण। तो हम लोग क्या करते हैं, जो थ्रेशोल्ड असेसमेंट्स होता है वो क्या करते हैं, वो सिटी लेवल में हम करते हैं। इसका मतलब है जैसे एक सिटी, जैसे भुवनेश्वर हो या दिल्ली हो या कोई भी सिटी हो, वहां पे पिछले 6-7 साल का डेटा हम देखते हैं। Okay. देखते हैं टेम्परेचर का मिनिमम डेटा, मैक्सिमम डेटा, ह्यूमिडिटी डेटा, और उससे मैप करते हैं जो मोर्टैलिटी, ऑल कॉज मोर्टैलिटी जो हुआ है वो शहर में, और उसी से हमको पता चलता है कि किस पॉइंट के बाद, जब टेम्परेचर क्रॉस होता है, मोर्टैलिटी किस पॉइंट के बाद डेथ शुरू होती है, तो उससे हम डिटरमिन करते हैं कि थ्रेशोल्ड क्या होता है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक है, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहते हैं, और सूचना वो ये है, बहुत ही ध्यान से उसको सुनिएगा, कि भारत सरकार ने 26 फरवरी 2013 को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक संकल्प द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण, यानी कि NPDRR इसे कहते हैं, उसके लिए एक बहुहितधारक और बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय मंच का गठन किया था, और ये देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में निर्णय लेने की एक सहभागी प्रक्रिया है। और इस मंच के 2 सत्र का आयोजन 2013 और 2017 के दौरान आयोजित किए गए थे। NPDRR का जो तीसरा सत्र है वो 10 और 11 मार्च 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस विषय से संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको हम आके लगातार आगे ही बताते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिए। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक डालें। अत्यधिक नमक मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं। मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। It is our tradition to change food habits according to the weather. Light and healthy food ensures good health and nutrition during the hottest months. High water content, seasonal foods and vegetables keep you cool and hydrated. Traditional remedies like onion salad and raw mango with salt and cumin can prevent heat stroke. Drink fluids with electrolytes like ORS, coconut water, lemon juice, buttermilk, aam panna, moon water, etc. Avoid alcohol, tea, coffee and soft drinks. Avoid excessive salt, spices, oily and high protein food. Do not eat stale food. Non-vegetarians can eat lightly grilled meat instead of fried or red meat. Eat well, stay healthy, stay safe. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं आपदा का सामना, और आपदा के सामना के आज के इस अंक में हम बात कर रहे हैं हीट वेव्स की। हमारे साथ तीन बहुत ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। कमल किशोर सर, अगला सवाल आपसे होगा कि जब एक तो हो गई कि पब्लिक हेल्थ, और पब्लिक हेल्थ के जरिए आपने कहा कि मैम ने कहा कि हम लोग उस पॉलिसी को गवर्नमेंट के पास पहुंचाने की कोशिश करते हैं, फिर उसके जरिए गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है। एनडीए में भी हीट वेव्स जो एक्शन प्लान है उसको भी राज्य सरकारों को देती है, उस हिसाब से वो प्लान बनाती है। लेकिन मेरा सवाल ये कि अगर, चूंकि अब हमने कहा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, इसकी लेंथ इसका बढ़ता जा रहा है, ऐसे में सस्टेनेबल कूलिंग हो,
इसके लिए क्या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने की जरूरत है आज की तारीख में? और हम देख रहे हैं कि जैसे हमसे आपसे बात हो रही थी कि एक जो हम कॉपी कर रहे हैं वेस्टर्न डिजाइन जो हमारे जो बिल्डिंग्स के होती हैं, उसमें भी आपको लगता है कि अब लोग समझें इस बात को कि अब उस तरह का चीजें नहीं चलने वाली है, पारंपरिक जो हमारे स्टाइल थे उस पर हमें आना होगा? जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, शॉर्ट टर्म अर्ली वार्निंग और क्या करें क्या ना करें, इससे हम थोड़े समय तक कम से कम मृत्यु दर को कम कर पाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म में लंबी अवधि तक जैसे ये बारंबारता बढ़ रही है ग्रीष्म लहर की और जैसे इसकी तीव्रता बढ़ रही है और अवधि बढ़ रही है, इसको देखते हुए लगता है कि इसका सस्टेनेबल जो इलाज है वो ये है कि हमारा बिल्ट एनवायरमेंट, जिस तरह से हम अपने घर बनाते हैं, इमारतें बनाते हैं, जिस तरीके से हम अपने शहर बसाते हैं, उसमें हीट वेव की समस्या का ध्यान रखा जाए। पुराने जमाने में हमारे जो पारंपरिक घर बनते थे देश के बहुत ही गर्म इलाकों में, चाहे वो राजस्थान हो, गुजरात हो, पूर्व के तट पे उड़ीसा हो, आंध्र प्रदेश हो, वो पारंपरिक घर ग्रीष्म लहर को सहन करने में बहुत कामयाब थे। मोटी दीवारें होती थी, उनका लेआउट ऐसे होता था कि वो रात की कूल जो ठंडी जो हवा थी उसको ट्रैप करके रखती थी और वो एक थर्मल कंफर्ट उसमें बहुत ज्यादा रहता था। अभी जो हम लोग घर बना रहे हैं, बहुत सारे घर उसमें शीशे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है, ओरिएंटेशन पूरब किस तरफ है, पश्चिम किस तरफ है, उत्तर किस तरफ है, दक्षिण किस तरफ है, उसका डिजाइन पे क्या प्रभाव होना चाहिए, इसका कम ध्यान रखा जाता है। और ये एक मानसिकता बन गई है कि घर हम कैसा भी बना सकते हैं, फिर एयर कंडीशनर लगा देंगे, लेकिन लंबी अवधि तक एयर कंडीशनिंग ये इलाज नहीं है। मैं एयर कंडीशनिंग के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन एयर कंडीशनिंग से बाहर हीट बढ़ती है, सिटीज में हीट आइलैंड इफेक्ट होता है, हीट आइलैंड इफेक्ट का फिर लोकल वेदर पे प्रभाव पड़ता है। तो ये बहुत जरूरी है कि हमारे यहाँ जन जन तक ये बात पहुंचे कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां ग्रीष्म लहर की संभावना और बढ़ने वाली है। तो जैसे हम भवन बनाए, जैसे हम शहर बनाए, शहरों की हरियाली, जैसे हम पेवमेंट बनाते हैं वहां और जो डेंसिटी है वहां, उस सब चीज में इसका ध्यान रखा जाए। इस संबंध में एनडीए में ने 2-3 चीजें की हैं, एक रिसर्च प्रोजेक्ट पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया करती है, एक VNIT नागपुर ने अर्बन मॉर्फोलॉजी का क्या इंपैक्ट पड़ता है हीट वेव पे, शहर जो अर्बन प्लानिंग है किस तरह का शहर है, उससे सेम टेम्परेचर पे किस तरह का थर्मल कंफर्ट होता है, इसके ऊपर हमने एक रिसर्च कराई है। इसके अलावा कुछ समय पहले हमने एक मैनुअल जारी किया है कि कैसे लोग कूल रूफ कर सकते हैं। अगर हम अपनी छतों को सफेद पेंट करें या उसके ऊपर सिरामिक टाइल्स लगाएं जिससे कि जो हीट रिफ्लेक्ट बैक हो, तो उससे 2-3 डिग्री तक अंदर का टेम्परेचर कम हो सकता है, क्योंकि ग्रीष्म लहर में सिर्फ आउटसाइड टेम्परेचर अनकंफर्टेबल नहीं होता है, अंदर भी ज्यादा होता है। और इसमें अलग अलग वल्नरेबल ग्रुप है, जो इसका प्रभाव पुरुषों पर होता है और महिलाओं पर होता है वो अलग होता है, और इसके लिए सबको साथ लेकर के उनकी उनकी समस्याओं को समझते हुए, चाहे वो पुरुष हो, महिलाएं हो, बच्चे हो, कृषक हो, ट्रैफिक पुलिसमैन हो, उनके लिए हम लॉन्ग टर्म में कैसे ऐसा बिल्ट एनवायरनमेंट खड़ा करें जिसमें थर्मल कंफर्ट, ग्रीष्म लहर के समय जो अंदर का जो माहौल है वो ऐसा रहे कि उसमें एक आराम रहे, ये किया जा सकता है। महापात्रा सर, हमने अभी बात की कि किस तरह से आप गाइडलाइंस और हीट वेव को लेकर बातें करते हैं, लेकिन इम्पैक्ट उसका जो हमारा जो कैटल्स हैं, जो पशुधन है, जो 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 लोग इसको पालते हैं, उस पर क्या कुछ, उसके लिए क्या कुछ मौसम विभाग की तरफ से बातें की जा सकती हैं? और दूसरी बात की सर, हम देख रहे हैं कि इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हमारी कृषि पे, एग्रीकल्चर सेक्टर पे, उसकी प्रोडक्टिविटी पे बढ़ता जा रहा है, उस पर इम्पैक्ट हो रहा है, इसको लेके मौसम विभाग की तरफ से क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? तो क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट देखें तो हमारे देश में लगभग 0.63 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर राइज हुआ है पास्ट 100 इयर्स में। मगर सीजन वाइज देखें, विंटर सीजन में यानी जनवरी फरवरी का जब मेन टेम्परेचर देखेंगे लैंड सरफेस इंडिया का जितना है, इसमें राइज है 0.78 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब है कि विंटर इज बिकमिंग वार्मर, सो विंटर में हमारे जो व्हीट प्रोडक्शन है इसलिए ज्यादा एफेक्टेड हो रहा है।
क्योंकि आपका जो कोल्ड कंडीशन है वो इतना कोल्ड नहीं रहा है और धीरे धीरे कोल्ड फ्रीक्वेंसी और कोल्ड डे फ्रीक्वेंसी भी कम हो रहा है और वार्मिंग भी दिखाई दे रहा है, जैसे इस बार हमने देखा फरवरी महीना में भी हीट वेव कंडीशन दिखाई दिया सौराष्ट्र कच्छ में और टेम्परेचर वाइज अबाउट 8 डिग्री सेल्सियस अबाउट नॉर्मल ओवर प्लेन्स ऑफ नॉर्थ वेस्ट इंडिया इन हिल्स ऑल्सो। सो मेरा ये बोलना है कि क्विक के ऊपर इसका तो असर जो होता है कि इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट क्रॉप स्टेजेस, जैसे फरवरी महीना अभी है तो टेम्परेचर राइज हो रहा है तो इसका जो क्रॉप यील्ड है टेम्परेचर राइज होने से ज्यादा इम्पैक्टेड होता है। फॉर एग्जाम्पल जो मेच्योरिटी स्टेज अभी चल रहा है व्हीट का, फ्लावरिंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज चल रहा है, ये सभी प्रभावित हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से। और फाइनली सो इमेज और यू कैन से अर्ली मेच्योरिटी की वजह से जो क्रॉप यील्ड होता है व्हीट का वो इफेक्टेड हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। तो सिमिलरली आप डे टाइम पर जो मैंने समर सीजन पे जो पेडी वगैरह भी हम करते हैं इसका जो टेम्परेचर ज्यादा होने से जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो बहुत बढ़ जाता है। सो वेजिटेटिव स्टेज पे तो इसका प्रभाव होता है, इससे ज्यादा इरिगेशन जरूरत पड़ता है, मगर हार्वेस्ट स्टेज पे मैंने मिल्किंग स्टेज पे भी हमको लाइट इरिगेशन करना चाहिए जिसकी वजह से जो लॉस हो रहा है इमेच्योर मैंने मैंने प्रायर टू एक्चुअल टाइम जो मेच्योरिटी आ जा रहा है इसको हम रोक सकते हैं। मापदा सर रोकना चाहूंगा, समय की कमी है। डॉक्टर लिपिका आपसे मेरा सवाल है कि ये जो पॉलिसीज बनती हैं गवर्नमेंट की तरफ से एनडीएमए की तरफ से जारी दिशा निर्देश होते रहते हैं, आपकी तरफ से आपको क्या लगता है कि जो स्टेट गवर्नमेंट्स अभी की जो स्थिति है उसमें उसके बाद जब एनडीएमए की तरफ से गाइडलाइंस जारी होती हैं जो स्टेट गवर्नमेंट्स इसको फॉलो करते हैं क्या लगता है कि वो पर्याप्त है या फिर अपने उस पॉलिसी में स्टेट गवर्नमेंट्स को भी अब समय के हिसाब से बदलते जलवायु के हिसाब से उसमें भी बदलाव लाने की जरूरत है स्टेट गवर्नमेंट्स को? स्टेट गवर्नमेंट्स लास्ट 3-4 साल से बहुत एक्टिव हो गए हैं और बहुत रेस्पॉन्सिव भी हो गए हैं एनडीएमए से, लेकिन मेरे ख्याल से उनके पास डेटा नहीं है। हमारे कंट्री में रिसर्च की कमी है। तो जैसे कमल जी ने अभी बताया कि अभी एनडीएमए एक रिसर्च अभी हम लोगों ने कंप्लीट की है, वैसे होल पूरे देश में ये इस टाइप की रिसर्च की जरूरत है। एक तो है कि वो जो मैंने बताया था वल्नरेबिलिटी असेसमेंट और थ्रेशोल्ड असेसमेंट की जरूरत है ताकि लोगों पॉलिसी मेकर्स के पास डेटा हो, इंफॉर्मेशन हो कि कैसे वो डील करे, एक तो वो है। दूसरी चीज है जो हीट वेव एक्शन प्लान डेवलप होती है सिटी लेवल में और स्टेट लेवल में उसकी इवैल्यूएशन नहीं होती है। वो हर साल कभी कभी क्या होता है कि वो समय इवैल्यूएशन की जरूरत है, हाँ इंफॉर्मेशन की कमी, उसी हिसाब से वो कट एंड पेस्ट हो जाता है। लेकिन ये जरूरी है कि एवरी ईयर जो हीट वेव एक्शन प्लान डेवलप होता है वो हीट वेव खत्म होने के बाद उसकी एक इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन की जरूरत बिल्कुल ताकि वो सक्सेसफुल रहा है कि नहीं। और क्या अगर लगता है कि उसमें कुछ चेंजेस की जरूरत है तो उसमें होते रहने चाहिए, जो कि आप देख रहे हैं लगातार क्लाइमेट चेंज हो रहा है। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आपको देना चाहते हैं और सूचना वो ये है, बहुत ही ध्यान से इसको सुनिएगा, कि भारत सरकार ने 26 फरवरी 2013 को केंद्रीय गृह मंत्री की अध्यक्षता में एक संकल्प द्वारा आपदा जोखिम न्यूनीकरण यानी कि NPDRR इसे कहते हैं, उसके लिए एक बहुहितधारक और बहुक्षेत्रीय राष्ट्रीय मंच का गठन किया था। और ये देश में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में, डिजास्टर मैनेजमेंट के क्षेत्र में निर्णय लेने की एक सहभागी प्रक्रिया है। और इस मंच के दो सत्र का आयोजन 2013 और 2017 के दौरान आयोजित किए गए थे। NPDRR का जो तीसरा सत्र है वो 10 और 11 मार्च 2023 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में आयोजित होगा। इस विषय से संबंधित जो भी अपडेट्स होंगे अब आपको हम आके लगातार आगे ही बताते रहेंगे। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए DD न्यूज। मौसम के मुताबिक खान पान बदलना हमारी परंपरा है। हल्का और पौष्टिक भोजन गर्मी के दिनों में सेहत अच्छी रखता है। अधिक पानी की मात्रा वाले मौसमी फल और सब्जियां शरीर को ठंडा रखते हैं। प्याज का सलाद और नमक जीरे वाला कच्चा आम जैसे पारंपरिक उपचार तापघात को रोकते हैं। ताकत देने वाले प्राकृतिक तरल जैसे ORS, नारियल पानी, नींबू पानी, छाछ, आम पन्ना, मूंग का पानी पिए। शराब, चाय, कॉफी और सॉफ्ट ड्रिंक डालें। अत्यधिक नमक मसाले, तला हुआ और उच्च प्रोटीन वाला भोजन टालें। बासी खाना न खाएं।
मांसाहारी लोग तले या लाल मांस की जगह भुना हुआ मांस खाएं। अच्छा खाएं, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। NDMA एवं IIPHG द्वारा जनहित में जारी। It is our tradition to change food habits according to the weather. Light and healthy food ensures good health and nutrition during the hottest months. High water content, seasonal foods and vegetables keep you cool and hydrated. Traditional remedies like onion salad and raw mango with salt and cumin can prevent heat stroke. Drink fluids with electrolytes like ORS, coconut water, lemon juice, buttermilk, aam panna, moon water, etc. Avoid alcohol, tea, coffee and soft drinks. Avoid excessive salt, spices, oily and high protein food. Do not eat stale food. Non-vegetarians can eat lightly grilled meat instead of fried or red meat. Eat well, stay healthy, stay safe. Issued in public interest by NDMA and IIPHG. और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। आखिरी कमेंट हम तीनों ही मेहमानों से चाहेंगे। कमल सर, आखिरी कमेंट की, अब जबकि इस तरह की बदलती जलवायु में हम सभी रह रहे हैं, कोई ऑप्शन नहीं है, मजबूरी है, ऐसे में एनडीएमए की तरफ से फ्यूचर गाइडलाइंस क्या होंगी कि लोग कम से कम अफेक्टेड हो, अपने जीवन यापन को ठीक से कर सके। देखिए, जैसा कि लिपिका जी ने कहा, एक तो हमें अपने देश में जगह जगह पर, राज्य स्तर पर, जिला स्तर पे एक रिसर्च इकोसिस्टम डेवलप करने की जरूरत है, ताकि हम हीट वेव से होने वाले नुकसान को अलग अलग वल्नरेबल ग्रुप्स पे, अलग अलग सेक्टर्स पे उसको ठीक से समझें और लोकल लेवल पे समझें और लोकल लेवल पे हम उसके उपाय ढूंढें। ये सभी चेंजेस और इंपैक्ट को देखते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने लास्ट 2 ईयर्स जीआईएस बेस्ड इंपैक्ट बेस्ड फोरकास्ट सिस्टम जारी कर रहे हैं। कोई भी और इसका जहां भी आप जीआईएस वेबसाइट को जाइए, आप आपका एरिया में टेम्परेचर क्या है, हीट वेव चल रहा है कि नहीं, वो आप देख सकते हो क्या पूर्वानुमान है नेक्स्ट 5 डेज के लिए। ठीक है, लोगों को भी अवेयर होने की जरूरत है, इन चीजों को देखे, वो समझे, जाने और बच के। डॉक्टर लिपिका, आखिरी कमेंट की, पॉलिसी के लेवल पे आप क्या कुछ बातें, अब जबकि तमाम चीजें बदल रही हैं, स्थितियां बदल रही हैं, किस तरह की पॉलिसी होनी चाहिए और क्या कुछ सजेशन गवर्नमेंट को आप देना चाहेंगी? एक तो जैसे मैं बोल रही हूं, हर 5 साल में ये इस टाइप की थ्रेशोल्ड और वल्नरेबिलिटी असेसमेंट होनी चाहिए। और पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन की तरफ से मेरा एस्पिरेशन है कि हम लोग गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लेवल में उनको ट्रेन करें कि वो खुद कैसे ये टाइप का रिसर्च कर सके, कैसे डेटा उनके पास रहे कि और वो वैल्यू समझे डेटा की, कि वो कैसे कंट्रीब्यूट करता है प्रॉपर पॉलिसी डेवलप करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, ये एस्पिरेशन। ओके ओके मैम, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। कमल सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस विषय पर हमारे साथ आए और बातचीत किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। महापात्रा सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपनी बातों को हमारे साथ साझा करने के लिए। और डॉक्टर लिपिका नंदा मैम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप तीनों ही मेहमानों का हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और अपने बहुत ही बहुमूल्य विचार हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही आपदा के आज के संग में बस इतना ही, मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।